देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं कि आईएएस ऑफिसर एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या काम करेंगे, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, और एक आईपीएस ऑफिसर जब वो एसपी या एसएसपी के रूप में ज़िले की पुलिस की कमान संभाल रहे होंगे तो उस समय उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। लेकिन कुछ जगह पर ऐसी भी स्थिति आती है जब ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि यहाँ पर आईएएस ऑफिसर एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करेंगे या आईपीएस ऑफिसर एज ए एसपी या एसएसपी काम करेंगे। अब जैसे कि सुनने में लग रहा होगा अजीब, लेकिन हाँ ये थोड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि जब एक आईएएस ऑफिसर एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज़िले में तैनात होते हैं और वह फील्ड पर जाते हैं निरीक्षण करने, और उनको अगर लगता है कि किसी सब इंस्पेक्टर का जो व्यवहार है या जो लोगों की मदद करने का जो काम है उनका, वह काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और बल्कि उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं, और ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसपी या एसएसपी से बोलते हैं कि आप इनको सस्पेंड कर दें क्योंकि ये काम सही से नहीं कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं वह जिम्मेदारियां ये नहीं निभा रहे हैं। लेकिन एसपी या एसएसपी साहब को लगता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है कि सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों में टकरार पैदा होती है, और टकरार होने की वजह से फिर दोनों एक दूसरे को ये बोलते हैं कि आप सही नहीं हो, वो बोलते हैं आप सही नहीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड जरूर होते हैं ज़िले के प्रशासनिक, लेकिन पुलिस की जो कमान है वह एसपी या एसएसपी को सौंपी जाती है, और उनके ऊपर जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो एज ए डीआईजी या आईजी होते हैं। सीनियर ऑफिसर्स आते हैं और उनको समझाते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल रहे हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए, और आईपीएस एज ए एसएसपी या एसपी साहब बोल रहे हैं कि नहीं, इनको सस्पेंड नहीं करेंगे हम क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम उनको सुधार देंगे ऐसे ही बोल के। तो फिर ऐसी स्थिति में डीएम साहब और एसपी साहब में टकराव हो जाता है, और इस टकराव को समझाने के लिए या निपटारे के लिए आते हैं सीनियर ऑफिसर। सीनियर ऑफिसर में कौन आ सकते हैं? या तो डीआईजी आएंगे या डिविजनल कमिश्नर आएंगे या दोनों लोग आएंगे। दोनों लोग इन दोनों लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, बताएंगे कि आपस में टकराव मत करो और क्या सही है क्या गलत है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनकी बात फिर भी मान लीजिए नहीं मानते हैं, तो फिर आगे क्या होगा? फिर आगे ये होगा कि मीडिया वाले मजे लेंगे और कहेंगे कि ज़िले में जो प्रशासन व्यवस्था है और जो पुलिस व्यवस्था है वह आपस में टकराव के रूप में है, ना वो उनकी बात मान रहे हैं ना वो उनकी बात मान रहे हैं, एक दूसरे के गलत होने के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उच्च, वो यही समझते हैं कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए, या तो सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाया जाता है या फिर डीएम साहब को समझा दिया जाता है। तो ऐसी भी स्थिति आती रहती है, और ज़रूरी नहीं है कि इस स्थिति को मीडिया में या पब्लिक में ओपन किया जाए, कभी कभी ये गुप्त रखा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स भी होते हैं कि कुछ चीज़ों को आप ओपन नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे या मीडिया को नहीं बताएंगे। लेकिन जो मजबूरी में ओपन हो जाती हैं वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर ये कोशिश की जाती है कि ऐसे गवर्नमेंट के अंदर जो आपस में मतभेद होते हैं इनको ओपन ना किया जाए।